नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम मनोविज्ञान का वृद्धि और विकास चैप्टर का पार्ट टू पढ़ेंगे। पार्ट वन जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और पार्ट वन में जो है हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि विकास का पहला सिद्धांत क्या है। तो विकास का पहला सिद्धांत है समान प्रतिदर्श का सिद्धांत। इसी प्रतिदर्श को कभी कभी प्रतिमान या प्रारूप भी कहते हैं। अर्थात सभी बालक का विकास जो होता है उनका प्रारूप क्या होता है, एक समान होता है। सभी बालक पहले शैशवावस्था में रहते हैं, फिर बाल्यावस्था में जाते हैं, फिर किशोरावस्था में जाते हैं, फिर प्रौढ़ावस्था में जाते हैं और फिर वृद्धावस्था में जाते हैं। जितने भी बालक हैं सबका प्रारूप यही होता है, अर्थात विकास का समान प्रतिदर्श का सिद्धांत हो। अगला है विकास के क्रम का सिद्धांत। तो दोस्तों देखिए, विकास का क्रम भी क्या होता है, एक समान होता है। अर्थात हर बच्चा जो है शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था में जाता है, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में जाता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि विकास का क्रम भी जो होता है एक समान अर्थात निश्चित होता है। अगला है पूर्व कथनीयता का सिद्धांत या पूर्वानुमान का सिद्धांत। अर्थात विकास का पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है या आप कह सकते हैं कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास की भविष्यवाणी आप ये कर सकते हैं कि हर बच्चा शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में जाता है। आप यह भविष्यवाणी कर सकते हैं। क्या आप ये भी भविष्यवाणी कर सकते हैं, कोई बालक पहले बाल्यावस्था में आएगा फिर जाके शैशवावस्था में आएगा? ऐसी भविष्यवाणी आप कभी नहीं कर सकते। अर्थात विकास की भविष्यवाणी आप कर सकते हैं, उसका पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि एक बच्चा पैदा होगा तो उसके दो हाथ, दो पैर, दो आँख, दो कान, एक नाक होगा। ये भी आप जो है पूर्वानुमान लगा सकते हैं। अर्थात पूर्व कथनीयता का सिद्धांत या पूर्वानुमान का सिद्धांत भी जो है विकास का सिद्धांत है। अगला है अनुक्रमणशीलता का सिद्धांत, या इसी को कहते हैं अनुक्रमिकता का सिद्धांत, या इसी को कहते हैं अविलोमीयता का सिद्धांत। अर्थात विकास को कभी भी अविलोम, अ माने नहीं, विलोम माने उल्टा, कभी भी उल्टा नहीं जा सकता। इसी को अनुक्रमणशीलता भी कहते हैं, विकास को कभी उल्टा नहीं जा सकता है। इसी को अनुक्रमानुपाती या अनुक्रमिता भी कहते हैं कि विकास को कभी उल्टा पलटा नहीं जा सकता। अर्थात कभी भी, जैसे मान लीजिए शैशवावस्था से बालक बाल्यावस्था में जाता है तो कभी भी इसको उलट नहीं सकते कि बालक पहले बाल्यावस्था में आ जाए उसके बाद शैशवावस्था में जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अर्थात इन चारों का, समान प्रतिदर्श का सिद्धांत, विकास के क्रम का सिद्धांत, पूर्व कथनीयता का सिद्धांत और अनुक्रमणशीलता का सिद्धांत, चारों का एक ही उदाहरण है कि विकास का क्रम जो होता है एक समान होता है। इसे विपरीत दिशा में नहीं चला सकते हैं, इसलिए विकास की भविष्यवाणी या पूर्वानुमान लगा सकते हैं। उसके बाद दूसरा आ जाता है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। तो दोस्तों देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता के जगह कभी कभी विविधता भी दे देता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि दुनिया का कोई भी दो बालक एक समान नहीं हो सकता। अर्थात प्रत्येक बच्चा क्या होता है, एक दूसरे से भिन्न होता है, एक दूसरे से अद्वितीय होता है। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, अपने जगह पर प्रत्येक बच्चा क्या है, विशिष्ट है। जैसे यहाँ पे देखिए, आप द कपिल शर्मा शो में चिंकी और मिंकी को देखे होंगे, उनकी हाइट भी सेम है, बाल का कलर भी सेम है, आँख का कलर भी सेम है और बोलने का अंदाज भी सेम है। तो क्या बताइए, इन दोनों में समानता पाई जाएगी? नहीं, कुछ न कुछ विभिन्नता ज़रूर पाई जाएगी, चाहे वो जुड़वा भाई बहन ही क्यों ना हो, कुछ न कुछ विभिन्नता। अब जैसे हो सकता है कि एक्टिंग करने में किसी एक्ट को यह एक घंटा में सीख लेती हो और उसी एक्ट को सीखने में इसको दो घंटे लग जाते हों। अर्थात कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अंतर जो है आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है,
अलग अलग बच्चे विकास के अलग अलग दर से गुजरते हैं, अर्थात प्रत्येक बच्चा क्या होता है, विशिष्ट या अद्वितीय होता है। जैसे जुड़वा बच्चे, जैसे चेहरा सेम लगेगा। अब चिंकी मिंकी का क्या है, इनका क्या है, चेहरा सेम है, बाल लंबाई मोटाई सब सेम है, लेकिन हो सकता है कि दोनों के मानसिक स्तर में कुछ न कुछ फर्क हो, और हो नहीं सकता, होगा, कुछ न कुछ अंतर दोनों बच्चों में ज़रूर पाया जाएगा। जैसे एक प्रश्न आता है कि नरेश 20 साल का है, मुकेश भी 20 साल का, दोनों भैया 20 साल के हैं। जैसे मान लीजिए ये दोनों बच्चे जो हैं, ये दोनों बच्चे जो यहाँ पे दिखाए गए हैं, मान लीजिए ये दोनों बच्चे क्या हैं, 20 साल के हैं, एक का नाम नरेश है और एक का नाम मुकेश है, फिर भी इनका शारीरिक विकास जो है सेम नहीं होता है और इनका मानसिक विकास सेम नहीं होता है, क्यों, यही क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए 20 साल का ये भी है और 20 साल का ये भी है, तो इनका शारीरिक विकास सेम रहना चाहिए ना। कहने का मतलब ये है कि लंबाई सेम रहे, इनके हाथ सेम रहें, जितना बड़ा इसका हाथ है इतना बड़ा उसका हाथ रहे, जितना बड़ा इसका पैर है उतना बड़ा इसका भी पैर रहे, इनकी आँखें जिस कलर की हैं उस कलर की आँखें रहें, अर्थात शरीर में जो भी विकास हुआ है एकदम सेम होना चाहिए, क्योंकि दोनों की उम्र कितनी है, 20 वर्ष है। क्या ऐसा होता है, कभी नहीं होता है। तो शारीरिक विकास सेम नहीं है और मानसिक विकास भी, जैसे इनके पढ़ने की क्षमता भी अलग अलग है, मानसिक विकास भी अलग अलग, किसी पाठ को ये 1 घंटा में पढ़ लेता है तो किसी पाठ को ये 2 घंटा में पढ़ता है, तो मानसिक विकास भी अलग अलग है। तो यह उदाहरण किसका है, यह उदाहरण है व्यक्तिगत विभिन्नता का, अर्थात व्यक्तिगत विभिन्नता ही बताता है कि कोई भी दो प्राणी पूरी दुनिया में एक समान नहीं हो सकते। एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख जाती है, जबकि लीना उस पाठ को ही सीखने में ज़्यादा समय लगा देती है, यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। तो भैया विकास के व्यक्तिगत विभिन्नता को दर्शा रहा है कि दो व्यक्ति में कुछ न कुछ व्यक्तिगत विभिन्नता जरूर पाई जाएगी। सीमा किसी पाठ को जल्दी पढ़ ले रही है, लीना उसी पाठ को देर पढ़ रही है, अर्थात दोनों में क्या है, विभिन्नता है, अर्थात प्रत्येक बच्चा क्या होता है, विशिष्ट होता है। अगला है विकास की असमान गति का सिद्धांत। तो देखिए विकास की गति या विकास की दर कैसी होती है, तो असमान होती है। विकास की गति या दर कैसी होती है, असमान होती है। कैसे, यहाँ पे देखिए परिभाषा लिखा है कि विकास की गति एक जैसी नहीं रहती। उदाहरण में देखेंगे तो शैशवावस्था में शारीरिक विकास सबसे तेज होता है, शैशवावस्था में शारीरिक विकास सबसे तेज होता है, और बाल्यावस्था में जो शारीरिक विकास होता है वह कैसा होता है, धीमा होता है। क्यों होता है, दृढ़ होने को, ठीक है। पुनः जब किशोरावस्था आ जाएगा तो शारीरिक विकास क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि विकास की गति कैसी होती है, असमान होती है, कभी तेज तो कभी मंद, तो कभी तेज तो कभी मंद, कभी तेज, इस तरीके से होती है, ठीक है। वैसे ही देखिए कैसे आपको बता दिया जाए कि जैसे जन्म लिया बच्चा, तो जन्म के समय मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम रहता है, लेकिन शैशवावस्था के अंत तक जाते जाते 1250 ग्राम हो जाता है, अर्थात 90% मस्तिष्क का विकास शैशवावस्था में ही हो जाता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास क्या होता है, सबसे तेज होता है, यहाँ से स्पष्ट, ठीक है। अब देखिए विकास का क्रम जो होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है, एक समान होता है, अर्थात प्रत्येक बालक शैशवावस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जाते हैं। विकास की दर या विकास की गति जो होती है वो अनिश्चित होती है, असमान होती है, अर्थात एक समान नहीं होती है, क्योंकि शैशवावस्था में बालक का विकास बहुत तेज होता है शारीरिक विकास, और बाल्यावस्था में शारीरिक विकास मंद हो जाता है, और किशोरावस्था में पुनः शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से होता है। अगला है सिर पुच्छीय या सिरोन्मुखी का सिद्धांत, या इसी को चोटी से एड़ी का सिद्धांत कहते हैं। इसी का अन्य नाम है मस्तकोधोमुखी, और इसी का लैटिन भाषा में नाम है सिफेलोमुखी।
काउडल। तो आपको यहाँ पे सिफैलो काउडल जरूर याद रखना है कि सिर्फ पुच्छी या सिरोन्मुखी सिद्धांत को ही सिफैलो काउडल भी कहते हैं। अब देखिए पहले दे दिया है सिर, 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 तो पहले सिर दिया है। तो बच्चे का जब निर्माण होता है गर्भावस्था में तो पहले सिर का निर्माण होता है, उसके बाद किसका निर्माण होता है, धीरे धीरे पैर का निर्माण होता है। अर्थात शारीरिक विकास में पहले सिर फिर अंत में पैर का निर्माण होता है, यही बताता है सिर पुच्छी या सिरोन्मुखी सिद्धांत। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न कैसे पूछता है, पूछता है कि सिफैलो काउडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है। तो कैसे होता है, सिर से पांव की ओर, सिर से पैर की ओर। अगला क्वेश्चन पूछता है कि मस्तको दो मुखी व निकट से दूर का क्रम किस क्रिया के अंग हैं। तो ये दोनों किस क्रिया के अंग हैं, विकास के अंग। किसके अंग हैं, विकास के अंग हैं। जैसे मस्तको दो मुखी सिद्धांत है वैसे ही एक सिद्धांत है निकट से दूर क्रम सिद्धांत, जो नीचे यहाँ पे समझाया गया है। तो देखिए निकट से दूर क्रम का सिद्धांत क्या कहता है, यह कहता है कि शरीर का विकास जो है शरीर के मध्य से बाहर की तरफ होता है, अर्थात विकास की गति केंद्र से दूरवर्ती भागों की ओर चलती है, इसी को निकट से दूर का सिद्धांत कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये बताया गया है, जैसे वहाँ पे बताया गया कि पहले सिर बनेगा, पूरा सिर जब बन जाएगा तो धीरे धीरे धड़ बनना शुरू होगा, ऐसे धड़ बनते बनते अंत में पैर का निर्माण होता है। ये है मस्तकोद्वमुखी या सिफैलो काउडल सिद्धांत। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि शरीर का जब बनना शुरू होता है गर्भावस्था में तो पहले मिड वाला भाग बनता है, पहले केंद्र वाला भाग जो है पूरा बन जाता है। केंद्र वाला भाग पूरा बन जाता है जब, अर्थात बीच वाला भाग जब पूरा बन जाता है तो उसके बाद इधर धीरे 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 जो है इधर से बनते 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 ऐसे पूरी शरीर बन के कान बन जाएगा, फिर ऐसे ऐसे बनते 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 पूरी शरीर बन के कान बन जाएगा। इस तरीके से पूरा इधर जो है शरीर का निर्माण होता रहेगा, अर्थात शरीर का निर्माण जो शुरू होगा वो कहाँ से शुरू होगा, केंद्र से शुरू होगा, सेंटर से, और किधर जाएगा, दूर की तरफ जाएगा, अर्थात निकट से दूर की तरफ जाएगा। तो इसी को कहते हैं निकट से दूर का क्रम या सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों अंतर संबंध का सिद्धांत, या इसी को कहते हैं परस्पर संबंध का सिद्धांत, अर्थात विकास के सभी पक्ष जो हैं आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। विकास के सभी पक्ष आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। जैसे अरस्तु ने इसको स्पष्ट किया है, इन्होंने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, अर्थात आपका शारीरिक विकास अगर सही है तो आपका मानसिक विकास भी क्या रहेगा, सही रहेगा। तो यही कहें कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। अभी आप स्वस्थ ना रहें, आपकी शरीर स्वस्थ ना रहे, आपको कोई रोग हो जाए तो देखिए आपका दिमाग भी काम करना क्या करता है, बंद कर देता है। अर्थात शरीर जब आपकी रोगी हो जाती है तो आपका मस्तिष्क भी काम करना क्या करता है, बंद कर देता है या कम कर देता है। अर्थात स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। कहने का मतलब ये है कि शारीरिक विकास अगर आपको सही नहीं हुआ है तो जब शारीरिक विकास आपका सही नहीं हुआ है तो मानसिक विकास भी आपका सही से नहीं होगा। आप शरीर सही से बनी नहीं, आप जो है कुपोषण का शिकार हो गए हैं, तो बताइए आप तर्क शक्ति कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, चिंतन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, रुचि किसी सब्जेक्ट में या हम दसवीं के बाद ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ले पाएंगे, नहीं, कोई निर्णय और कल्पनात्मक शक्ति भी नहीं, नैतिक विकास भी नहीं होगा, सामाजिक विकास भी नहीं होगा, हमेशा चिड़चिड़ापन रहेगा, संवेगात्मक विकास भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अगर शारीरिक विकास सही नहीं हुआ है तो मानसिक विकास भी सही नहीं होगा, नैतिक विकास भी सही नहीं होगा, सामाजिक विकास भी सही नहीं होगा, संवेगात्मक विकास भी सही नहीं होगा। आप अपने दिमाग से सोचिए कि अगर आपका मानसिक संतुलन सही नहीं है तो आपका शारीरिक विकास प्रभावित होगा कि नहीं होगा, नैतिक विकास प्रभावित होगा कि नहीं होगा, सामाजिक विकास प्रभावित होगा कि नहीं होगा,
संवेगात्मक विकास प्रभावित होगा कि नहीं होगा? हर चीज़ प्रभावित होगा, अर्थात विकास के सभी पक्ष आपस में अंतर संबंध यानी परस्पर संबंधित होते हैं। अगला है वंशानुक्रम एवं वातावरण का अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो देखिए, अंतःक्रिया को इंटरैक्शन कहते हैं या परस्पर संबंधित कहते हैं, अर्थात आप कह सकते हैं कि कोई बच्चा अगर पैदा होगा तो वंशानुक्रम से कुछ न कुछ गुण वह क्या करेगा, लेकर आएगा। वंशानुक्रम से वह कुछ न कुछ गुण क्या करेगा, लेकर आएगा। लेकिन उस गुण को कितना विकसित करना है यह निर्भर करेगा किस पे, वातावरण पे। जैसे कोई बच्चा है वंशानुक्रम से बुद्धि की योग्यता लेकर आता है, क्या करता है, बुद्धि की योग्यता लाता है। मान लीजिए माता पिता मंद बुद्धि है और उसके पास बुद्धि की योग्यता आई तो यह बुद्धि कैसी होनी चाहिए, मंद। लेकिन उसको स्वच्छ वातावरण मिल गया, पढ़ने लिखने वाले लोग मिल गए, ऐसी कॉलोनी मिल गई जहाँ पे हमेशा पढ़ाई लिखाई नौकरी की ही बात होती है, तो यह मंद बुद्धि बालक भी कैसे बुद्धि का हो जाएगा, तीव्र बुद्धि का हो जाएगा। अर्थात वंशानुक्रम जो है से तो बुद्धि की योग्यता लेकर आया, लेकिन डिपेंड किया किस पे, वातावरण पे, अर्थात विकास पर वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, वंशानुक्रम को कहते हैं प्रकृति से संबंधित, क्योंकि इसमें ऐसे गुण होते हैं जो स्वतः माता पिता से बच्चों में आ जाते हैं, उसको कहीं कुछ बनाना नहीं पड़ता है, अर्थात यह कैसे हैं, नेचुरल हैं। तो इसीलिए वंशानुक्रम को प्रकृति से संबंधित कहा जाता है। और वातावरण जो है पोषण से संबंध, तो वातावरण में ही हम जब आते हैं तो क्या करते हैं, पोषण से संबंधित हर क्रिया करते हैं। जैसे मजदूरी का माहौल है, पढ़ाई का माहौल है, स्नान ना करना, 8 बजे सो कर जगना, अर्थात वातावरण जो है यह पोषण से संबंधित है। ठीक है, तो इसीलिए वंशानुक्रम एवं वातावरण को प्रकृति पोषण का विवाद भी कहते हैं। तो प्रकृति पोषण का विवाद इसलिए कहते हैं कि कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि आपके विकास पर या बालक के विकास पे वंशानुक्रम का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि वातावरण का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो यही प्रकृति है और यही जो है पालन पोषण है, यही क्या है, पोषण है। यानी बच्चा पैदा हुआ तो उसको हम क्या करते हैं, पालन पोषण देते हैं। तो यही प्रकृति व पोषण विवाद है जो चलता रहता है मनोवैज्ञानिकों के बीच में। कुछ लोग कहते हैं कि दोनों बराबर योगदान देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए स्कीनर ने कहा है कि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में दूषित वातावरण और गंभीर रोग जन्मजात योग्यताओं को कुंठित या निर्बल बना सकते हैं। अर्थात जीवन के प्रारंभिक वर्षों में जब बच्चा शुरुआत कर रहा है अपने जीवन का, और वहाँ पे दूषित वातावरण हो, कैसा वातावरण हो, जहाँ पे हमेशा मार झगड़ा, मम्मी को पीटा जा रहा है, मम्मी पापा ही को पीट दे रही हैं, दादा दादी को मार रही हैं, बच्चे मार झगड़ा लड़ाई गाली गलौज कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो है बच्चे के अंदर जो जन्मजात योग्यता है, जैसे बुद्धि की योग्यता उसके अंदर है, तो उस बुद्धि की योग्यता का प्रयोग या इसी दूषित वातावरण को देखने में करेगा, और इस चाहे जितनी तेज बुद्धि इसकी हो, इसकी भी बुद्धि इन पागलों के जैसी बन जाएगी। अभी कोई गंभीर रोग हो जाए तो गंभीर रोग के बाद भी जो है कुछ बुद्धि की योग्यता हो, तार्किक योग्यता हो, चिंतन करने की योग्यता हो, निर्णय लेने की योग्यता, अर्थात पूरी मानसिक योग्यता ही क्या हो जाती है, छीड़ हो जाती है, तो वहाँ पर भी जो है बच्चा कुंठित या निर्बल हो जाता है। और जन्मजात योग्यताओं को कुंठित या निर्बल बना सकते हैं, अर्थात जीवन के प्रारंभिक वर्षों में दूषित वातावरण और गंभीर रोग जन्मजात योग्यताओं को कुंठित या निर्बल बना सकते हैं। तो दूषित वातावरण से बचना चाहिए, और जन्मजात रोग तो मान लीजिए गंभीर रोग अगर है तो दिक्कत तो है ही। उसके बाद दोस्तों देखिए, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, अर्थात सरल से जटिल का सिद्धांत। कोई भी बालक को अगर आपको कुछ सिखाना है तो आप सबसे पहले उसे क्या सिखाएंगे, सामान्य, उसके बाद धीरे धीरे विशिष्ट की ओर, अर्थात सरल से
जटिल की ओर जाएंगे। जैसे बच्चे को अगर सिखाना है, उसका मानसिक विकास करना है, तो सबसे पहले आप सामान्य प्रक्रिया सिखाएंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग। उसके बाद आप विशिष्ट प्रक्रिया यानी बॉड मास को सिखाएंगे, है कि नहीं? कि पहले आप बॉड मास को सिखा के तब जोड़ घटाना गुणा भाग, नहीं, पहले आप सामान्य प्रक्रिया करेंगे तब विशिष्ट, अर्थात विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। पहले आप जो है पूरे वर्णमाला को बच्चों को सिखाएंगे, मात्रा को सिखाएंगे, तब जाके आप बच्चे से कौवा कहेंगे कि ये क्या है पढ़ो। जब आप उसे पूरा वर्णमाला और मात्रा सिखा देंगे तो बच्चा कौवा को क्या कर लेगा, पढ़ लेगा। अर्थात सरल से कठिन की ओर बच्चों को सिखाना चाहिए। बालक सामान्य प्रतिक्रियाओं से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की ओर बढ़ता है। नवजात शिशु पहले अपने पूरे शरीर का संचालन करता है, तब बाद में किसी विशेष अंग का। पहले वो पूरे शरीर के बल से, अर्थात पहले उसे जो सरल लगता है, पूरा पेट के बल से रेंगता हुआ चलता है, अर्थात पूरे शरीर का संचालन करता है, फिर बाद में विशेष अंग का, अर्थात फिर बाद में देखिए दोनों पैर और दोनों हाथ पे बकैया चलता है। किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए सामान्य रूप से केवल हाथ ही नहीं बल्कि अन्य अंगों को भी हिलाता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु प्राप्त करना है तो केवल हाथ ही नहीं, वह पूरे शरीर को उसके पास ले जाने का प्रयास करता है, किंतु धीरे धीरे वह उसे प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट यानी हाथ का प्रयोग करता है। तो देखिए सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। तो एक क्वेश्चन आता है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। वैसे अगला है एकीकरण का सिद्धांत। तो एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है? एकीकरण का सिद्धांत यह कहता है कि एक समय में एक कार्य कर पाना ही क्या है, एकीकरण है। सबसे पहले बालक पूरा हाथ पैर ही हिलाता है। सबसे पहले बालक क्या करता है? पूरा हाथ पैर हिलाता है, फिर हाथ पैर की उंगलियों को क्या करता है, हिलाना सीखता है। ठीक है, तो देखिए इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग के भागों को चलाना सीखता है, उसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है, अर्थात एक साथ चलाना सीखता है। उदाहरण, एक बालक पहले पूरे हाथ को क्या करता है, चलाता है, फिर अंगुलियों को चलाता है, फिर क्या करता है, अंगुलियों को चलाता है, फिर अंगुलियों को एक साथ चलाता है, फिर अंगुलियों को क्या करता है, एक साथ चलाता है। यह विकास के एकीकरण का सिद्धांत है और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। अर्थात यही बालक मान लीजिए है, तो बालक एक समय में एक काम करेगा। पहले किसी चीज़ को आप देंगे तो यह पूरे शरीर के द्वारा पाने का उसका क्या करेगा, प्रयास करेगा, तो वह एक समय हो गया। उसके बाद बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो पूरा हाथ या पूरा पैर के द्वारा जो है कोई चीज़ क्या करेगा, लेने का प्रयास करेगा, फिर जो है वह प्रयोग करेगा अपने हाथ और पैर की अंगुलियों का, उसके बाद जो है सारी अंगुलियों का वह क्या करेगा, एक साथ प्रयोग करेगा। तो इसी को कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत, अर्थात एक समय में बच्चा एक कार्य करता है। विकास सरल रेखा में न होकर वर्तुलाकार या सर्पाकार होता है, अर्थात विकास जो होता है सीधा या लंबवत नहीं होता है, सरल रेखा में नहीं होता है, होता कैसा है, वर्तुलाकार या सर्पाकार। अर्थात इस सिद्धांत के अनुसार विकास एक सरल रेखा में नहीं चलता है, बल्कि यह परिपक्व होने के लिए रुकता है और सीधी रेखा वर्तुलाकार बन जाती है। अर्थात कह सकते हैं कि विकास की गति असमान होती है और ऊपर नीचे चलती जाती है। जैसे हमने आपको पढ़ाया था कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास सबसे तेज होता है, फिर बाल्यावस्था में धीमा, फिर किशोरावस्था में तेज। तो इस तरीके से जो है तेज धीम जब होता रहता है विकास, अर्थात विकास की गति जो है असमान रहती है, तो अपने आप एक रेखा बन जाती है जिसे सर्पाकार या वर्तुलाकार कहते हैं। यहाँ पे समझाया भी गया है कि शारीरिक विकास सबसे तेज शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास धीमा और किशोरावस्था में पुनः तेज होता है। अर्थात यहाँ पे देखिए एक वर्तुलाकार या सर्पाकार रेखा बन रही है, कर्व बन रहा है, इसी को कहते हैं विकास सरल रेखा में ना होकर वर्तुलाकार होता है, अर्थात वर्तुलाकार का सिद्धांत।
विकास के निरंतरता का सिद्धांत, या विकास सतत रूप से चलता है, लगातार चलता रहता है, आजीवन चलता रहता है। अर्थात विकास आजीवन चलता है लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि विकास गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक चलने वाली एक प्रक्रिया है, या विकास शैशवावस्था से लेकर जीवन पर्यंत यानी मृत्यु तक चलने वाली एक निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है और पूरे जीवन भर में आपको नई क्षमता कुछ न कुछ सीखने को मिलता रहता है, चाहे अधिगम के द्वारा सीखिए, चाहे शिक्षा के द्वारा सीखिए, चाहे ट्रेनिंग के द्वारा। जैसे आप न्यूज़पेपर ही पढ़ते हैं तो ज़िंदगी भर कुछ न कुछ नया आप क्या करते रहते हैं, सीखते रहते हैं। तो यही विकास है, नई क्षमता का जन्म। पहले हम क्या थे, पहले हम केवल किताबें पढ़ते थे, हमको जो है मोबाइल चलाने नहीं आता था। फिर हम जो है मोबाइल चलाना क्या किए, सीख गए। हमको लैपटॉप चलाना नहीं आता था, फिर हम क्या किए, लैपटॉप चलाना सीख गए। हमको मोटरसाइकिल चलाने नहीं आता था, हम मोटरसाइकिल चलाना सीख गए। हमको चार चक्का गाड़ी चलाने नहीं आता था, उसको भी सीख गए। हमने बीएड किया, शिक्षा ली, हमने करंट अफेयर्स में पेपर पढ़ा और उसके बाद हम टीचर हो गए। इस तरीके से जो है विकास जो है आजीवन तक चलता रहता है। सब कुछ करने के बाद हमने कोई बिजनेस कर लिया तो हमको कुछ न कुछ पूरे जीवन में सीखने को मिल रहा है। अर्थात विकास जो है लगातार चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। विकास की दिशा का सिद्धांत, तो विकास की दिशा जो होती है वो एक होती है। अर्थात हर बालक शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था में और बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में ही जाता है। हर विकास का लक्ष्य जो है परिपक्वता प्राप्त करना है। यहाँ पे देखिए यह क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, आया भी है कि विकास का संबंध किससे है, तो विकास का संबंध किससे है, परिपक्वता से। जैसे अनुक्रिया का संबंध उद्दीपक से है, वैसे विकास का संबंध किससे है, परिपक्वता से है। अर्थात हर विकास का लक्ष्य परिपक्वता प्राप्त करना होता है। जैसे बच्चा जन्म के बाद रेंग कर चलना सीखता है तो थोड़ा कम परिपक्व रहता है, फिर घुटने के बल पर चलना सीखता है तो थोड़ा और परिपक्व होता है, फिर खड़ा होकर चलने का प्रयास करता है, थोड़ा और परिपक्व होता है, फिर खड़ा होकर चलने का प्रयास करता है, ठीक है, खड़ा होने का प्रयास करता है, फिर खड़ा होकर चलने का प्रयास करता है, फिर चलने लगता है। अर्थात यहाँ से यहाँ तक की प्रक्रिया में बताया गया है कि विकास का लक्ष्य क्या होता है, परिपक्वता प्राप्त करना होता है। तो विकास का क्रम एक समान या निश्चित, विकास की दिशा एक समान या निश्चित, विकास की दर या गति असमान या अनिश्चित। उसके बाद देखिए दोस्तों आ जाएगा चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। अर्थात किसी कार्य को करना तथा उस कार्य के दौरान खुद को समायोजित करना ही क्या कहलाता है, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। जैसे यहाँ पे चक्राकार प्रगति आते ही आपके दिमाग में समायोजन आ जाना चाहिए और यही आपके ऑप्शन में भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है जैसे आप कोचिंग में गए, ठीक, तो कोचिंग में आप कुछ देर तक बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं श्याम पट पे, लेकिन मन नहीं लगता, कुछ देर तक मन नहीं लगता है, लेकिन आप उसको उस सिचुएशन में अपने आप को ढालने का प्रयास करते हैं और ज्यों ढल जाते हैं, समायोजित हो जाते हैं, मन लग जाता है, तो आपकी जो परिस्थितियां हो जाती हैं वह क्या हो जाती हैं, अनुकूल हो जाती हैं। तो आपको 10 घंटा लगातार पढ़ाया जाएगा तब भी आप क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। अर्थात किसी कार्य के लिए खुद को समायोजित कर लेना, किसी कार्य के दौरान खुद को समायोजित कर लेना ही क्या है, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। जैसे पढ़ने बैठते हैं शाम को तब भी मन नहीं लगता, लेकिन आधा घंटा पढ़ते हैं तो फिर मन इतना लग जाता है कि उठने का मन नहीं करता, क्योंकि हम उस कार्य के प्रति खुद को क्या कर लिए, समायोजित कर लिए और खुद को अनुकूलित कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों विकास के कारण, तो हमने आपको बता दिया कि विकास के कारण हैं परिपक्वता और अधिगम, और हमने आपको यह भी बताया कि विकास का संबंध ही किससे होता है, परिपक्वता से होता है। और परिपक्वता जो है चाहे अंगों का विकास हो, चाहे गुणों का विकास हो, किसी भी तरीके से बच्चे में परिपक्वता आ रहा है तो उसे आप कहेंगे कि विकास हो रहा है,
ठीक है। जैसे अंगों का विकास कैसे होगा, जैसे शारीरिक विकास या शारीरिक परिवर्तन। गुणों का विकास कहाँ से होगा, वंशानुक्रम से प्राप्त होगा, वातावरण से भी अर्जित कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो परिपक्वता है, परिपक्वता में जब अंगों की वृद्धि होती है, जैसे लंबाई भार मांसपेशियों का दृढ़ होना, तो धीरे धीरे जो है बालक क्या होता है, परिपक्व होता है। जब मांसपेशियाँ दृढ़ होते लगती है, लंबाई बढ़ने लगती है, भार बढ़ने लगती है, तो बच्चा जो पहले रेंग कर चलने का प्रयास करता था, वह अपने घुटनों के बल पर प्रयास करेगा चलने का, अर्थात वह बकैया चलने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसकी मांसपेशियाँ क्या हो गई, दृढ़ हो गई हैं। उसकी लंबाई जब थोड़ी सी और बढ़ेगी और मांसपेशियाँ और दृढ़ होंगी, तो वह खड़ा होने का प्रयास करता है, और मांसपेशियों को और दृढ़ होने के बाद वह खड़ा होकर चलने का प्रयास करता है, और अंत में जब उसकी मांसपेशियाँ काफ़ी दृढ़ हो जाती हैं, तो वह चलने लगता है। अर्थात वह बच्चा जो रेंग रहा था, अर्थात जो अपरिपक्व था, अब वह कहाँ पे पहुँच गया, वह अब परिपक्व हो गया। तो इस तरीके से जो है बच्चे का परिपक्वता अंगों के विकास के हिसाब से होता है। दूसरा परिपक्वता है गुणों का विकास, जो वंशानुक्रम से प्राप्त होता है, और उसको और बढ़िया करने के लिए उसे वातावरण से क्या करना पड़ता है, अर्जित करना पड़ता है। जैसे मानसिक विकास की बात करें, मानसिक विकास एक गुण है, एक क्वालिटी। तो बच्चा जो है शुरू शुरू में जब क्लास नर्सरी में रहता है, LKG में रहता है, UKG में रहता है, तो तर्क करने की क्षमता उसकी बहुत कम हो जाती है, कम रहती है। फिर नर्सरी से LKG, UKG, क्लास वन तक जाते जाते जो है बच्चे में तर्क करने की क्षमता अधिक हो जाती है। फिर 2, 3, 4, 5 तक जाते जाते जो बच्चा एकदम अपरिपक्व था मानसिक विकास के तर्क करने में, वह आप क्या करने लगा, तर्क करने लगा, रीजनिंग के क्वेश्चन लगाने लगा, अर्थात धीरे धीरे जो है वह अपरिपक्वता से कहाँ पे जाने लगा, परिपक्वता की ओर जाने लगा, समस्या का समाधान करने लगा, निर्णय लेने लगा, चिंतन करने लगा, कल्पना करने लगा। जो बच्चा एकदम अपरिपक्व था गुणों के हिसाब से, अब उसके गुण कैसे हो गए हैं, परिपक्व हो गए हैं। अर्थात परिपक्वता दो प्रकार से आती है, एक तो अंगों का विकास करके, जैसे एक बच्चा रेंग रहा था वह अब चलने लगा, तो अंगों का विकास किया, मांसपेशियां दृढ़ हुई, तो वह अपरिपक्वता से कहाँ पे आ गया, परिपक्वता की ओर आ गया। वैसे गुणों का विकास के द्वारा भी परिपक्वता आती है, जैसे बच्चा नर्सरी में था तो उसे तर्क करने की योग्यता नहीं थी, रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं लगा पाता था, लेकिन कक्षा 5 में जाते जाते वह क्या हो गया, अपरिपक्व से परिपक्व हो गया, और वह रीजनिंग के क्वेश्चन को क्या कहा, लगाने लगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि परिपक्वता दो प्रकार से आती है, एक तो अंगों का विकास करके और दूसरा गुणों का विकास करके, दो प्रकार से बालक में परिपक्वता आती है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन था कि विकास के कारण क्या है, तो विकास के कारण पहला क्या है, परिपक्वता, और दूसरा कारण क्या है, अधिगम। भैया अधिगम मतलब सीखना, अगर आप कुछ सीखेंगे ही नहीं तो नई क्षमता का विकास कहाँ से होगा, आपको सीखना है। आपके व्यवहार में जब वांछित परिवर्तन आएगा, जैसे आप पहले साइकिल चलाना नहीं जानते थे और अब साइकिल चलाना आप क्या हो गए, जान गए, अर्थात आपके व्यवहार में क्या हो गया, वांछित परिवर्तन आ गया, आप कुछ न कुछ क्या किए, सीख लिए, अर्थात आप में एक नई क्षमता का जन्म हुआ और विकास हुआ। जैसे आप पहले जो है लैपटॉप चलाना नहीं जानते थे, अब जो है आप लैपटॉप चलाना अर्थात कंप्यूटर चलाना सीख गए, तो आपके व्यवहार में एक वांछित परिवर्तन हुआ, जो कि आप चाह रहे थे कि ऐसा परिवर्तन हो, तो आप यहाँ पे आपका क्या हुआ, अर्थात बालक का क्या हुआ, बालक का विकास हो रहा है। अधिगम को वातावरण से अर्जित करते हैं और सीखते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन एक आता है कि अधिगम का संबंध किससे है। जाहिर सी बात है अधिगम माने सीखना, और कोई चीज़ आप सीखेंगे तो क्या सीखते हैं, बोध सीखते हैं, ज्ञान सीखते हैं, ठीक है। तो अधिगम का संबंध किससे है, बोध से, किससे है, बोध से। देखिए यहाँ पे अधिगम समझाया भी गया है कि बालक पहले साइकिल चलाने नहीं जानता था, फिर बालक अगर साइकिल चलाने जान गया
तो वहाँ पे उसके अंदर एक नई क्षमता का जन्म हुआ अर्थात विकास हुआ। तो विकास के दो कारण होते हैं, एक परिपक्वता और एक कौन होता है, अधिगम होता है। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को लिखा भी गया है कि परिपक्वता का संबंध किससे होता है, विकास से, अर्थात कह सकते हैं कि विकास का संबंध किससे होता है, परिपक्वता से। परिपक्वता के अभाव में अधिगम संभव नहीं है। अगर कोई बालक परिपक्व है ही नहीं, वो तर्क ही नहीं कर सकता, समस्या समाधान ही नहीं कर सकता, निर्णय चिंतन कल्पना ही नहीं कर सकता, तो वह कुछ अधिगम भी नहीं कर सकता, अर्थात उसके लिए अधिगम करना असंभव होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका पूरा वृद्धि और विकास का चैप्टर ख़त्म हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक। धन्यवाद दोस्तों।